हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होप सब लोग बढ़िया होंगे तो गाइस थैंक यू वेरी मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे बच्चे को थैंक यू ब्रदर गाइस यार मैं जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी लोग क्वेरी करते हैं कि सर आप कैसे स्ट्रीम करते हैं कैसे उसको मैनेज करते हैं और स्ट्रीम करने के साथ साथ उसको रिकॉर्डिंग भी कैसे करते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो मैं ऐप अभी यूज़ कर रहा हूँ उस ऐप से पहले मैं क्या करता था कि मैं एक ऐप यूज़ करता था उस ऐप में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण मुझे आईफोन के अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी उसकी वजह से क्या होता था कि जो गेमर हो जो मेरा आदि था उसको ना लैग फील होता था कभी कभी वो बीच में लैग फील होता क्योंकि आईफोन यूज़ हो रहा है यूटिलाइज हो रहा है रिकॉर्डिंग में तो जिसकी वजह से आईफोन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था और मेरे ख्याल से अगर इस तरह का काम हम लोग एंड्रॉयड या किसी और फ़ोन में करेंगे वो भी यही सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेगा लैगी लैगी तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया काफ़ी ऐप यूज़ किया मिरर के लिए तो फाइनली मैंने एक ऐप यूज़ किया है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताने जाऊँगा बेस्ट ऐप है और कभी जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ तो कुछ ना कुछ लोग पूछते ही रहते हैं कि सर आप कैसे स्ट्रीम करते हो मुझे हमें बताओ किस ऐप से करते हो मिरर किस से करते हो तो मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि मैं किस ऐप से मिरर करता हूं और सेम ऐप से मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूं और रिकॉर्डिंग में भी तीन फैसिलिटी हैं आप साइलेंट भी कर सकते हो अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस मोबाइल की वॉइस के साथ कर सकते हो डिवाइस की वॉइस के साथ कर सकते हो और अपनी ऑडियो व माइक्रोफोन की ऑडियो के साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और रिकॉर्डिंग का कोई जोर नहीं है तो मैं गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा लेट्स गो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं अपनी वीडियो को मिरर करता हूँ और किस ऐप से करता हूँ और उस ऐप की खासियत भी बताता हूँ आपको तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ लेट्स गो ब्रदर तो आ गए हम स्क्रीन पे गाइस तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैं यूज करता हूँ डोवान जो कि इजी इंस्टॉल है इजी यूज करना है और इसमें सेटिंग इतनी इजी है और सबसे खास बात है इस ऐप में मैंने एक खास बात ये नोटिस करी है कि बाय चांस आपका किसी वायर जैसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हो अपने डिवाइस को वायर और वाईफाई के थ्रू तो बाय चांस अगर किसी वजह से आपकी वायर हिलती तो आपको बस प्लग करना है प्लग एंड प्ले आप सबसे पहले इसमें सिंपल या इससे मैंने इजी सॉफ्टवेयर आज तक नहीं देखा और इससे टॉप क्लास क्वालिटी देने वाला ऐप मैंने अभी तक नहीं देखा है मैंने काफी ऐप यूज किए हैं आईओएस के लिए भी एंड्रॉय के लिए भी और जिस तरह का ये सॉफ्टवेयर मुझे मिला है मैंने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले हैं मुझे इससे तो मैं एडवाइस करूंगा जो हमारी तरीके से मेरी तरीके से छोटे छोटे स्ट्रीमर्स हैं यूट्यूबर्स हैं तो प्लीज़ इनिशिएट करो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एंड प्लीज़ क्रैक के झंझट में मत पड़ो आपका पर ईयर का पड़ेगा आपको पर ईयर का परचेज़ देते हैं ये लोग वी भी देते हैं और काफ़ी फैसिलिटी भी देते हैं और ज्यादा महंगा भी नहीं है ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से हजार जा जा रुपए की करीब आ सकता है आपका कोई ज्यादा बड़ा नहीं है एक साल के लिए हजार रुपए इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसके हजार रुपये के बदले आपको वो क्वालिटी भी दे रहा है और सबसे बड़ी बात इस ऐप के अंदर आपको मिरर के साथ साथ आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो ईजी रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग इसकी सेटिंग देख लेते हैं पहले मैं सेटिंग दिखा देता हूं बड़ी इजी सेटिंग्स से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं तो इजी सेटिंग्स है इसकी तो देखो पहले जनरल सेटिंग्स से हैं इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपके पास डुअल मॉनिटर है तो किसी भी तरह फुल स्क्रीन कर सकते हो रिमेंबर कर सकते हो किस पोजीशन पे उसको जब भी आप ओपन करेंगे कहाँ जाएगा मिररिंग विंडो कैसी है नॉर्मल या टाइनिंग आई के लिए इसमें दो तरीके देता है आई के लिए दो तरीके देता है एक तो वायर्ड है एक नॉन वायर्ड है वायर नॉन वायर्ड मतलब वायरलेस तो नॉन वायर्ड वायर जो है उसमें आप ऑडियो वीडियो भी जा रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं स्ट्रीम पर जा सकती है रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं टेन एट्टी ट्वेल्व ट्वेल्व सेवन ट्वेंटी सिक्स ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो तो जनरली मैं टेन नाइनटीन ट्वेंटी पे करता हूँ एफ पी एस आप सेट कर सकते हो एफ पी एस में आपको ड्रॉपिंग नहीं मिलेगी इस ऐप में और वायरलेस वाई फाई के थ्रू करते हो तो आपको नाइन टेन एट्टी सिक्सटी ए पी एस थर्टी पी एस ट्वेंटी पी एस ईजी मिल जाएगा मेरे ख्याल से ये बढ़िया चीज़ है और एंड्रॉइड के लिए आप देख लेना एंड्रॉड में यूज नहीं करता हूँ काफ़ी चीज़ें एंड्रॉइड के लिए हैं काफ़ी फैसिलिटीज दी गई हैं एंड्रॉइड के लिए वीडियो में भी ये है इसमें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ये ऑटो ले लेता है और रिकॉर्डिंग में आप कैसे भी कर सकते हैं माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ पे माइक्रोफोन टेस्ट भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग सोर्स मतलब रिकॉर्डिंग में आप क्या क्या चाहते हैं जब आप इस ऐप में रिकॉर्डिंग का बटन प्लस प्रेस करते हो तो आप क्या क्या चाहते हो आपको साइलेंस रिकॉर्ड साइलेंट रिकॉर्डिंग चाहिए मतलब आपको जब आप गेम खेलोगे तो रिकॉर्डिंग होएगी तो वो साइलेंट होएगी ना उसमें गन साउंड होएगा ना कोई आ, आपका साउंड जाएगा ना डिवाइस का साउंड जाएगा या डिवाइस का साउंड जाएगा केवल इसमें और डिवाइस प्लस माइक्रोफोन यानी इसमें डिवाइस का साउंड भी रहेगा और आपके माइक का भी साउंड रहेगा इजी फैसिलिटी देते हैं इसमें और सबसे बड़ी बात इसमें आप स्प्लीट भी कर सकते हो अपने रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा इसके जैसा सब, सपोज करिए आप गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते आपका एक घंटा हो गया आपकी रिकॉर्डिंग आपको ध्यान नहीं दे तो ऑटो सेव एक घंटे की हो जाएगी नेक्स्ट सेविंग uh, अपने आप ए, एक घंटे की अलग से होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये इसमें इजी फैसिलिटी है पात आप दे सकते हो सेव कर लो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सेटिंग में कुछ नहीं है पर काम इसका बहुत बड़ा है तो चलो मैं सेव करता हूँ यहाँ से तो गाय जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूँ वो रिकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये आईओ की इंटरनल रिकॉर्डिंग है मैंने भी यही सोचा था जब मैंने पहली बार ये रिकॉर्डिंग देखी थी तो मुझे लगा यार मैंने कहीं आई आई आईफोन आई के अंदर की रिकॉर्डिंग तो नहीं डाल दी है मुझे इतना कंपैरिजन करने में इतना टाइम लग गया जब मैंने उस रिकॉर्डिंग को देखा डोवान की जो इंटरनल ऐप की रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने जब कंपेयर करी तो मुझे आईओएस की बिल्कुल पैरलर लगी मतलब कोई अप डाउन नहीं सिंपल आईफोन की रिकॉर्डिंग एंड डोवान की रिकॉर्डिंग टॉप क्लास तो मैं दिखाता हूं आपको डोवान की रिकॉर्डिंग जो मैं ऐप के थ्रू की है तो फाइनली गाइस ये है डोवान ऐप की रिकॉर्डिंग देख लो भाई ये है डोवान ऐप की रिकॉर्डिंग भाई अनबिलीवेबल रिकॉर्डिंग भाई इतनी क्यूट रिकॉर्डिंग भाई मैंने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मुझे इस तरह की रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है फॉर शॉर्ट्स एंड माई लॉन्ग वीडियोज अनएक्सपेक्टेड मुझे मैं बहुत रिसर्च किया यार कि ये डोवान है अपने कैसे किया यार मैंने जबकि ये मेरी वाईफाई की रिकॉर्डिंग है मतलब मैंने जो मिरर किया था पीसी में वो मैंने वाईफाई के थ्रू किया है मैंने कोई वायर्ड यूज नहीं किया तब मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली है जब मैं वायर्ड यूज करूँगा तो मुझे रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी अनबिलीवेबल रिकॉर्डिंग नो ए पी ड्रॉप बिल्कुल टेन पे चल रही है एंड सिक्सटी ए भाई क्या मतलब कोई लेगी नहीं इसमें कोई लेगी नहीं कहीं लैग नहीं टॉप क्लास सॉफ्टवेयर भाई मुझे बहुत पसंद आया रियल पर्सनल मेरी एडवाइस है यूज करो छोटा सा सॉफ्टवेयर है कोई ज़्यादा बड़ा इंस्टॉलेशन नहीं है नॉर्मल इंस्टॉलेशन है नॉर्मल प्राइस है पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल प्राइस है यार हजार रुपये कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है यार देखो जब किसी के मन में कुछ बड़ा बनने की इच्छा होती है ना तो वो सौ दो सौ पाँच सौ रुपये नहीं देखता है भाई यार

आईफोन के अंदर की रिकॉर्डिंग है और जो ये वाली ऐप की रिकॉर्डिंग है कंपेयर कर लेना आप अब मैं अंदर की रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं आपको और गाइस ये है मेरी आईफोन के अंदर की रिकॉर्डिंग भाई यार होपी बोलते भाई नो कंपैरिजन मतलब मैं इसको पॉइंट वन भी मिसमैच नहीं कर सकता हूं कि पॉइंट वन परसेंट डोवान ज्यादा है या पॉइंट वन परसेंट आईफोन की रिकॉर्डिंग ज्यादा है मैं किसी के दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता मैं पहली बात अगर मेरे को दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ दिखाई जाए स्प्लिट करके तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कौन सी आईओ की है कौन सी कौन सी डिवाइस की है कौन सी डोवान की है तो ये गाइज आपके सामने है ये मेरी रिकॉर्डिंग है आईओ की इंटरनल रिकॉर्डिंग है भाई ये देखो ये रिकॉर्डिंग भाई मुझे नहीं लग रहा है ये मैं अभी मुझे लग रहा है मैंने अभी डोवान की ही देखी थी देख रहे हो भाई ये है रिकॉर्डिंग आईओ की और डोवान की मैंने दिखाई सेम नो अंतर नो एपी ड्रॉप सीधा सिंपल भाई आपको भाई पूरा पूरा गेम प्ले उठा के दे रहा है तो यार बहुत अच्छी चीज है तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा तो लेट्स गो अब मैं दिखाता हूं कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो भाई देखो जब आप आप स्ट्रीमर बनना चाह रहे हो स्ट्रीम कोशिश करते हो आप ना आप गाइस तो क्या क्या करते हो आप लोग जब आप लोग नया यूट्यूब का चैनल खोलते हो तो आप लोग ना जब मैं मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूं जब मैं यूट्यूब पर नया नया आया था तो मैं भी सोचता था यार मैं वहां से यूज कर लूँ मैं क्रैक यूज कर लूँ मैं इसका क्रैक यूज कर लूँ देखो क्रैक आपको हर ऐप का मिल जाएगा लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी देखो हमें YouTube पे ऑडियंस को ग्रैब करना है ऑडियंस को पकड़ना है ऑडियंस को आप तभी पकड़ सकते जब आपकी क्वालिटी अच्छी हो कंटेंट अच्छा हो और जब कंटेंट अच्छा होगा क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको व्यूवर देखेगा तो मैं तो एडवाइस करूंगा सबसे एडवाइस करूंगा जो भी स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज इस ऐप के थ्रू स्ट्रीम करो ज्यादा हाई एंड हाई एंड आपको पीसी भी नहीं चाहिए नॉर्मल क्लास पीसी में भी रन करेगा तो गाइस ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐप के थ्रू जाओ एंड प्लीज डू नॉट यूज क्रैक क्योंकि क्रैक में आपको वो क्वालिटी वो एफपीएस वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी क्योंकि क्रैक में कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस ऐप से तो इस ऐप के थ्रू जाओ ये यूज करो और मेरे ख्याल से आपको क्वालिटी मस्त मिलेगी आपको आपको सबसे बड़ी बात आपने डिवाइस में रिकॉर्डिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है सीधा सीधा अपने पीसी में रिकॉर्डिंग करो ऐप के थ्रू ज्यादा इसमें दिल लफड़ा नहीं है तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ और मैं अपने छोटे छोटे भाई हैं जो मेरे मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं छोटे छोटे स्ट्रीमर्स हैं जो गेमर्स बनना चाहते हैं इस ऐप के थ्रू जाओ यूज़ करो सिंपल है मार्केट में आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे लेकिन ये परफॉर्मेंस जो दे रहा है वो कहीं और सॉफ्टवेयर से नहीं मिलेगी आपको ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा दी आपको आई यू एस एन ए उसकी डोवान की कोई ज़्यादा नहीं है ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना और पेपाल के थ्रू यूज़ होता है पेपाल फास्ट के थ्रू पेमेंट होता है कुछ ही दिनों में मैं आपको कोपन कोड भी दे दूँगा अगर उसके थ्रू आप परचेज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी ट्रस्ट में तो गाइज अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे मिरर करता हूँ मैं अपने आई ओ एस को कैसे पी सी में मिरर करता हूँ तो चलते हैं लेट्स गो मैं दिखाता हूँ आपको लेट्स गो ये है मेरा मोबाइल अभी मैंने इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डोवान का कोई भी इंस्टॉल नहीं किया है ना कोई प्री इंस्टॉल है कुछ ऐप इंस्टॉल नहीं किया है आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ गो पहले मैं आपको वाईफाई के थ्रू दिखाता हूँ इसमें वाईफाई ऑन है सेम मेरा नेटवर्क उसी उसी वाईफाई उसी नेटवर्क पे मेरा ये वाला पीसी है तो चलो दिखाता हूं मैं आपको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पहले डोवान अभी मैंने कुछ नहीं किया है डोवान में अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि सीधा इसमें अभी मैं जाने वाला हूँ ऊपर और इसमें इस स्क्रीन मिरर का एक ऑप्शन आता होगा आपने देखा होगा स्क्रीन मिरर देखिए स्क्रीन मिरर का आ रहा होगा इसमें ऑटोमेटिकली दिखाई देगा डोवान डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपका सेम वाईफाई पे सेम नेटवर्क पे होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप स्क्रीन मिरर करोगे तो वहाँ पे आपको बस यहाँ पे आपको एक क्लिक दबाना है जैसे ही होगा जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी स्क्रीन यहां पर आ गई भाई इजी है कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है ये स्क्रीन आ गई अब आप इसमें डिले देखना मैं आपको दिखाता हूं डिले देखना। वहां पर देखना और इस स्क्रीन में देखना गाइज आप लोग कुछ दिखाई देना कुछ लैग कुछ डिले आर टी बाई रियल टाइम डिस्प्ले रियल टाइम ट्रांसफर है भाई, रियल टाइम नो डी नो लैगिंग नो टाइम टेकिंग प्रोसेस बाई सिंपल अब मैं गेम खेल के दिखाता हूँ और जैसे ही आप इसमें सबसे बड़ी बात आप इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में करेंगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है अपने आप रिकॉर्डिंग चेंज कर देता है ये ये सॉफ्टवेयर तो लेट्स गो मैं आपको बी जी खेल के दिखाता हूँ अब देखो मैंने बी ऑन किया अपने आप इसने मुझे लैंडस्केप में दे दिया अपने आप कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं किया ठीक है ये हो गया मेरा अब मैं इसमें गेम खेल सकता हूँ देखो गेम मेरा चल गया अब आप इसको मॉनिटर से कहीं से भी शिफ्ट कर सकते हो किसी भी जगह लगा सकते हो या से सिंगल मॉनिटर है तो आप सिंगल मॉनिटर में भी लगा सकते हो इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है अब देखो इसमें भाई कोई डिले नहीं है सीधा सिंपल मेरा भी यही चल रहा है वो भी वही चल रहा है भाई ज़्यादा मुझे खेलना तो नहीं आता फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ भाई ये देखो परफॉर्मेंस देखो जायरो की भाई ये देखो ये देखो मैं जायरो टच कर रहा हूँ बिल्कुल देखो परफॉर्मेंस देखो इसकी बिल्कुल हल्की हल्की परफॉर्मेंस भी आपको कैप्चर करके दे रहा है और जबकि मैं ये वाईफाई फाई भी यूज कर रहा हूँ ना कि मैंने वायर पे तो अभी यूज भी नहीं किया है ये वाईफाई के थ्रू है गाइस समझ रहे हो कि क्या परफॉर्मेंस है इस ऐप की मतलब आपको वाईफाई के थ्रू आई क्वालिटी में आपको ट्रांसफरिंग दे रहा है अब ये तो हो गया ट्रांसफर अब आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है गाइज अब आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है इस चीज की देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता है यहाँ पे साउंड में आप पूरा अप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूजेज आप अपने यूज के हिसाब से इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे ठीक है ज्यादा इसमें कुछ नहीं है और यहाँ पे एपीएस है एफ में ज्यादा तो लोग कोई कुछ ज्यादा यूज नहीं करते मतलब ए क्या सेट करना है किस तरह किस तरफ एफ पी दिखाएगा किस कॉर्नर में दिखाना है आपको एपीएस ये सब है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और ये एस लिखा हुआ है ए दबाएंगे तो आपको यहाँ से एफ दिखाई देगा कितना ए में आपको मिल रहा है स्क्रीन और ये मेन चीज होती है ये मेन चीज होती है ये रिकॉर्डिंग ये आपने क्लिक किया आप बेफिक्र हो जाइए अपना गेम खेलिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली मैंने आपको प्रीवियस बताया ना स्प्लिट में एक घंटे की रिकॉर्डिंग एक एक घंटे की होती चली जाएगी तो अब आपको कुछ नहीं करना है आप अपना गेम प्ले खेलिए वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही है एक घंटे से ऊपर होएगी तो नेक्स्ट एक घंटा फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है आपको बस यही काम करना है चिकन डिकन चिकन डिनर निकालना है तो चिकन डिनर निकालो शॉर्ट्स बनाओ और अपलोड करो कोई ज्यादा इसमें बढ़िया काम नहीं है चलो मैं दिखा देता हूं एक दो शॉर्ट मार के दिखाई देता हूं आधी नहीं है तो क्या हुआ आधी सो रहा है तो क्या हुआ एक दो शॉर्ट करके दिखा देता हूं भाई देख रहा यह है परफॉर्मेंस मैंने इसको ऑफ कर दिया अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया ठीक है अब मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूं रिकॉर्डिंग पे जाता हूं सिंपली ये वाली रिकॉर्डिंग उठाता हूँ देखो रिकॉर्डिंग ये है इसकी रिकॉर्डिंग ये देखो भाई इसकी रिकॉर्डिंग भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ये देखो भाई इसकी रिकॉर्डिंग नो लेगी कुछ नहीं है कुछ इसमें चेंज नहीं किया भाई यार इसमें कुछ भी चेंज नहीं है कुछ भी भाई देख लो आप पूरा रियल टाइम उठा के दे रहा है स्क्रीन आपको रियल टाइम स्क्रीन दे रहा है भाई तो चलो ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं बंद करता हूं यहां पे ठीक है तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया कैसे है मैंने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाइटनिंग केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट करूंगा ये मेरा लाइटनिंग केबल है जो मैंने पीसी में लगा रखा है कनेक्ट कर रखा है पीछे से और अभी मेरा गेम भी चल रहा है आप देख सकते हो के सामने ठीक है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको प्लग कर रहा हूँ और मेरा डोवान का सॉफ्टवेयर भी खुला हुआ है तो मैं अभी इसको प्लग कर रहा हूँ देखना है इसमें परफॉर्मेंस देखना है इसकी तो मैं अभी इसको प्लग कर रहा हूँ ये हो गया मेरा प्लग सॉरी इधर आ गया सॉरी 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 इस स्क्रीन पे आ गया <laughs> सॉरी सॉरी सर तो इधर आ गया आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे आ गया ये मेरा वायर के थ्रू चल रहा है थोड़ा सा इसमें मेरा इशू हो सकता है क्योंकि मेरा जो लाइटनिंग केबल है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है आधी ने ना गड़बड़ कर दिया है तो वेल फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा नो प्रॉब्लम इसमें सुपर परफॉर्मेंस है इसमें आपको क्वालिटी और अच्छी मिलेगी मतलब जो वायर के थ्रू यूज करते हैं उनसे और अच्छी क्वालिटी मिलेगी मैं थोड़ी स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ <laughs> यही प्रॉब्लम है ना मेरा ना एक्चुअली वायर का थोड़ा सा इश्यू है पर कोई बात नहीं ओ मेरा तो चलता आ, मेरा इतना भी कोई इशू नहीं होता मैं इसको बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ये मैंने बड़ी कर दिया स्क्रीन का इसको ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्ट्रीम लैब्स में में इतना ये कैप्चर कर लेता है वो अपने हिसाब से अब ये देखो ये परफॉर्मेंस है भाई इसकी वायर्ड की तो गाइज ये है वायर्ड और वायरलेस का थ्रू तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ब्रदर तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मैंने डोवान यूज किया है डोवान को वायरलेसली कैसे यूज़ किया है और मैंने वायर के थ्रू कैसे यूज़ किया है और परफॉर्मेंस आपके सामने है रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया नो डिफरेंस नो लैग नो री मतलब रियल टाइम आपको परफॉर्मेंस मिल रही है रियल टाइम आपको आउटपुट मिल रहा है तो गाइज ये था डोवान का मैं जो डोवान यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से तो मैं तो अब मैं इसके अलावा किसी सॉफ्टवेयर पर माइग्रेट नहीं करने वाला हूँ डोवान पे ही रहूँगा क्योंकि मेरे को क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है तो मैं अब इस सॉफ्टवेयर के इस एप्लीकेशन के अलावा किसी और एप्लीकेशन पे जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि जब मुझे ये चीज़ ये, ये जो मुझे चाहिए मुझे एक ही सॉफ्ट एक ही एप्लीकेशन से मिल रही है तो मैं क्यों दूसरी जगह जाऊँ मुझे मिररिंग भी मिल रही है उसी सॉफ्ट उसी एप्लीकेशन में और उसी एप्लीकेशन के इंटरनल में ऐप में ही मुझे रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल रहा है उसी में मुझे वर्चुअल कैमरा भी मिल रहा है उसी में मुझे स्क्रीन भी मिल रहा है मुझे एफ पी भी मिल रहा है उसी में और उसी में साउंड भी आप बढ़ा सकते हो किसी और ऐप में मैंने देखा है और भी ऐप मैंने यूज़ की उसमें साउंड का ऑप्शन नहीं आता उसमें आप साउंड इंक्रीज या कम नहीं कर सकते हो लेकिन इसमें कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस तो गाइज मैं अभी बस यही ख़त्म करूंगा और स्टार्टिंग करते ना तो हम लोग चाहते हैं हमें बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं हम मैं भी चाहता था जब मैं मैं भी अभी बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ बहुत मेरा बच्चा भी छोटा सा गेमर है छोटा सा बड़ा छोटा सा यूट्यूबर ही है और मेरे जो हमारी तरीके से जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं छोटे छोटे गेमर्स हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्लीज़ गो थ्रू दिस ऐप एंड यूज़ दिस ऐप एंड डेफिनेटली यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट जो भी आप चाहते हो अपनी ऑडियंस कैप्चर कर पाओगे ईजी कैप्चर कर पाओगे और इसमें स्लो मोशन भी मैंने बनाया है मैंने स्लो मोशन की भी शॉर्ट्स डाले हैं भाई इसी रिकॉर्डिंग को उठा के मैंने स्लो मोशन भी डाले भाई एक नंबर स्लो मोशन आते हैं भाई इसमें नो लैग नो डिले बिल्कुल औरिजिनल क्वालिटी देता है तो गाइस में चलो यहीं पर ख़त्म करूंगा ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं तो बस यही आपसे कहूंगा कि आप अच्छे से आउटपुट दो ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करो और कोशिश करो कि अपना जो अपना कंटेंट है लोगों तक तो पहुंचाओ हमारा मेन छोटे जो जो हमारे यूट्यूबर्स हैं हम लोगों का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के मोबाइल में हमें पहुंचना है और लोगों के मोबाइल में हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम क्वालिटी अच्छी देंगे उनको जब वो उस चीज़ पर रुकेंगे तो गाइज़ ये वाली रिकॉर्डिंग आप यूज़ ये वाला आप ऐप यूज़ करो इसमें रिकॉर्डिंग लगाओ रिकॉर्डिंग से शॉर्ट बनाओ और यही वाली आप लॉन्ग वीडियो में यूज़ करो मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा डालता नहीं हूँ तो यूज़ करो जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो इस वाली वीडियो रिकॉर्डिंग को यूज़ करके देखो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखो बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा और मेरे ख्याल से माता रानी की दुआ से आपको बहुत सक्सेस मिलेगी तो ज्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा लेट्स गो गुड बाय ब्रदर मेरी जान थैंक यू ब्रदर बाय